consequences of sin is death. कह रहा है कि पाप की परिणाम मृत्यु है. मृत्यु relationship, the death of relationship, integrity, honor, just not physical or spiritual death. वचन में कह रहा है कि जब कोई खुदा के नियम को तोड़ता है, जब कोई गुनाह करता है, उनके जीवन में मृत्यु, उनके जीवन में मौत काम करने लगता है. और जब मौत काम करने लगता है, वो शुरुआत ही होता है कि तुम्हारे हर एक संपर्क टूटने वाला है. तुम्हारे सम्मान के मौत होना शुरुआत हो चुका है. तुम्हारे जितना रिलेशनशिप है उसकी मौत होना शुरू हो गया. इसीलिए इंसान अपने आप को अकेले पाता है कि उन्होंने जो बोना उसी के फसल उन लोग काट रहा. सबसे दुखदायक मौत कौन सा होता है? जब तुम मौत के दरबार में खड़े हो और मौत तुम्हें लेने के लिए आया है. तुम्हारे पास कोई भी प्यार करने वाला नहीं है, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम अकेले हो और तुम अकेले मर रहे हो. आज देखिए कोविड 19 में जितने कोई भी मरे हैं वो लोग अकेले मरे हैं. यहां तक उन लोग के परिवार को भी उन लोग के पास आना नहीं दिया गया. ये कैसे तकलीफ है हम लोग लेके चल रहे हैं कि जिससे हमने सबसे ज्यादा प्यार किया उसको कोविड 19 हुआ और उसके बाद वो मरने के बाद उसके शक्ल क्या उसको टच करने भी हम लोग को नहीं दिया गया. उसके एक बार भी देख के पकड़ के रो नहीं सका, छीन लिया गया. इसीलिए जब जब गुनाह भरा, इस दुनिया में गुनाह इतने बढ़ते गए, इतने मासूम इंसान के मौत जो होते गए, उसके परिणाम आज हम लोग कोविड 19 में देख रहे हैं कि एक बच्चा जो गर्भ में है उसको कुछ नहीं हो रहा. जो बच्चा गर्भ में है, जो माँ को कोविड 19 हुआ है, वो घर में बच्चा लेके उसको, वो बच्चा को कोविड 19 नहीं हो रहा है, लेकिन जो माँ है उसको कोविड 19 हो जा रहा है. ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर लोग कह रहा है. क्योंकि हर एक शहर में हम लोग अपना पाप छुपाने के लिए अबॉर्शन करते हैं. हर एक शहर में हम लोग अपना पाप छुपाने के लिए कितने बच्चे को जान, मासूम बच्चे लोग का जान हम लोग ले चुके हैं. वचन में कहता है जैसा एबेल की खून खुदा के पास रोया था, आज मासूमों के खून खुदा के पास रोया. और देखिए कि ये मासूम की मौत आज हम लोग के जीवन में क्या परिणाम लेके आए इस दुनिया में. कि डर के मारे में कोई मुंबई में जितना कोई है 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा. यहां तक जिन लोग के पास बड़ा बड़ा गाड़ी है, मर्सिडीज से लेके बीएमडब्ल्यू से लेके, वो गाड़ी में झूल लग चुका है लोग के घर के बाहर, लेकिन डर से वो लोग घर के बाहर भी नहीं आ रहे कि उसके गाड़ी को धोए. इसीलिए जब जब गुनाह बढ़ता है खुदा के वो न्याय करता है. और उन्होंने न्याय किया. इसीलिए एक इंसान जब एक इंसान को छोड़ के दूसरे शादी भी करता है वो कभी भूल नहीं जाता उन्होंने क्या किया. अगर तुम मसीह में हो तुम भूल नहीं सकोगे तुम क्या किया. अगर तुम अपने बीवी को रख के दूसरे के साथ सो रहे हो बहुत मजा आने वाला है. पाप में मजा है, गुनाह करने में मजा है, लेकिन जितना ही मजा है उससे भी ज्यादा तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा. इसलिए इंसान भागने के लिए, इंसान अपने गलती को छुपाने के लिए हर एक काम करता है कि मुझे भरना नहीं पड़े, लेकिन उसकी जिंदगी में आने वाला है. और वचन में कहता है चैप्टर 32 वर्सेस 23, नंबर्स चैप्टर 32 वर्सेस 23 में कह रहा है, बट इफ यू फेल टू डू दिस यू विल बी सिनिंग अगेंस्ट द लॉर्ड एंड यू मे बी श्योर दैट योर सिन विल फाइंड यू आउट.
बोले अगर तुम प्रभु के नियम में वचन में नहीं चल सकते तो याद रखना तुम खुदा के विरुद्ध गुनाह करने वाले हो। जो वचन में नहीं चल सकता है वो गुनाह ही करता है खुदा के। आज जो लोग गुनाह कि जो गुनाह तुमने किया है वो गुनाह एक दिन तुम्हें ढूंढ के जरूर निकालेगा। वो गुनाह एक दिन तुम्हारे जीवन में फिर आएगा और वो तुम्हें ढूंढ के निकालेगा कि तुम्हें हर एक चीज की भरतान करना पड़े। इसीलिए हम लोग ना समझ बन के गुनाह तो कर बैठते हैं, अफेयर तो कर बैठते हैं, व्यभिचार तो कर बैठते हैं, झूठ तो बोल बैठते हैं, लेकिन पवित्र वचन में कहता है कि दाऊद ने खुदा के पास साम्स चैप्टर 51 कि जब दाऊद ने ऐसा गुनाह किया उन्होंने खुदा के पास दुआ की। किस लिए दुआ की? क्योंकि डेविड कमिटेड अडल्ट्री विद बैथशेबा, क्योंकि वो व्यभिचार किया था बैथशेबा के साथ। और उसके बाद वो लिखा Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. मेरे ऊपर रहम कर मेरे खुदा, जो प्यार की तेरी खत्म नहीं है वो प्यार के बदौलत मेरे ऊपर रहम कर। According to your great compassion, ओ मेरे खुदा जो तेरी सबसे बड़ा दया है वो दया के खातिर मेरे ऊपर रहम कर। Blot out my transgression. ब्लॉट आउट मतलब पोछ देना, वो प्यार के वो पाप के धब्बे को पोछ दो मेरे जिंदगी से। दाऊद खुदा के पास रो के कह रहा है कि ये गुनाह के जो धब्बे मेरे ऊपर लग चुका है इसे पोछ दे मेरे खुदा, क्योंकि जब तक ये गुनाह के धब्बे तुम्हारे पास है वो याद रखना वो चीज तुम्हारे जहन में है, वो तुम्हें याद दिलाएगा तुमने क्या किया। तुम उससे भूल नहीं सकते हो। मेरे पारा में जहां से मेरे मम्मी जन्म ली थी, मेरे मामा के घर, वहां पर एक लड़का रहता था जिसको गुंडा बनने का बहुत शौक था और वो गुंडा ही बनना चाहता था। और वो गुंडा बनने के लिए जेल में जाने के लिए वो हर कोशिश कर रहा था कि उसके नाम फटे कि वो बड़ा गुंडा बन सके और उससे सब डरे। और उन्होंने क्या किया, वो कभी पुचका खाने जाता था, पुचका लोगों को पैसा नहीं देता था, पुचका हालांकि पूरा पुचका के पानी पूरी के जितना डाली था वो उल्टा देता था कि हमसे पैसा मांगा। वो अपने माँ को मारता था, बाप को मारता था पैसा नहीं देने से। वो जो इंसान के पास पैसा मांगने जाता था वो अगर नहीं देता था उसको रेजर मार देता था। और करते करते एक दिन उन्होंने क्या किया, एक युवा लड़का था, युवा लड़का का बात कर रहा हूं, उन्होंने जाके एक लड़का को गोली मार दी, उसका मर्डर करके वो जेल में था। और 4 साल जेल में कटाने के बाद 4 साल बाद उन्होंने निकला। और निकलने के बाद वो सोचा अपने जिंदगी में बहुत अच्छा से वो करने वाला है, लेकिन वो गुनाह जो उन्होंने किया, एक मौत जो उन्होंने किया, एक आदमी को जो उन्होंने मारा, वो उसे कभी नहीं छोड़ के गया। कह रहा था कि जिसको उसने मारा था वो हर रात उसको आके परेशान करता था, इतना परेशान किया कि आज वही लड़का पागल होके घूम रहा है रास्ता में। वही जो गुंडा बनना चाहता था आज पागल होके, उसका दिमाग नहीं है, वो घूमते रहता है। क्योंकि गुनाह तुम क्यों एक दिन न एक दिन खोज के जरूर निकालेगा। और वो हम लोग के जहन में, हम लोग के सोच में रह जाता है। इट बिकम्स अ मेमोरी कि मैंने क्या किया था। और जब हम लोग ऐसे ही कहीं दिशा में हम लोग फिर से अपनी जिंदगी में आते हैं भविष्य में, वो मेमोरी फिर से ताजा हो जाता है और वो फिर से हम लोग को हॉन्ट करने लगता है। इसीलिए तुम अपने पत्नी को छोड़ के एक दूसरे लड़की के पीछे जा सकते हो, अपने पत्नी जो तुम्हारे साथ विश्वासघात कभी नहीं किया उसको छोड़ के दूसरे के संग मोहब्बत कर सकते हो। करो, बहुत खुशी से करो, पहले पहले बहुत मजा आने वाला है, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जो चीज तुमने अपने पत्नी के साथ किया वही औरत के लिए वही औरत तुम्हारे साथ करेगा और तुम्हें याद आएगा कि तुमने क्या किया।
याद आएगा कि तूने किया। और इंसान के लिए बहुत देर हो चुका है, लेकिन दाऊद जानता था ये बात, ये धब्बा उसका लग चुका था कि ये मेरा पीछा करने वाला है, ये मेरा पीछा करने वाला है। ये धब्बा अगर खुदा नहीं धोए, ये धब्बा अगर खुदा नहीं पहुंचे, तो मेरे जिंदगी में मुझे कभी शांति नहीं मिल सकता, मेरी जिंदगी में मुझे कभी भी आनंद नहीं मिल सकता, जो आनंद मैं खोज रहा हूं नहीं मिल सकता। इसीलिए एक इंसान कामयाब बनने के लिए वो कुछ भी करता है, इंसान को धोखा देता है, वो धोखा देते देते वो संपर्क को भी धोखा देता है, जो लोग वो सब रिलेशनशिप को भी तोड़ता है, क्योंकि वो कामयाब बनना चाहता है। लेकिन जब वो बहुत कुछ गलती करके वो जगह में पहुंचता है, वो कामयाबी का जो आनंद एक इंसान को मिलना चाहिए वो आनंद नहीं पाता, और वो देखता है कि मैं तो इसको पा गया, लेकिन जो जो गुनाह मैंने किया वो गुनाह की वजह से मेरी जिंदगी में कोई आनंद नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं है। वो अपने आप को अकेला पाता। आज कितने कोई है जो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने परिवार को समय नहीं देते, अपने बेटे को तैयार करने में समय नहीं देते, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, यही सोच के भागते हैं कि मुझे कमाना है, मुझे गाड़ी बनाना है, बंगला बनाना है। तुम गाड़ी बंगला तो बना लोगे, लेकिन वो गाड़ी बंगला बनाने में तुम जितना जितना इंसान को धोखा दिया, तुम जितना जितना इंसान को ठोकर मारा, तुम जितना जितना इंसान को गलती किया, वो सब तुम्हारे पास आने वाला है। इसीलिए पाप के धब्बे दाऊद खुदा को कह रहा था कि पहुंच दो, क्योंकि तुम्हारा दया बहुत बड़ा है। फिर उसके कह रहा है दो में कि धो दो मेरे हर एक गुनाह को और मुझे साफ करो, ये गुनाह से धो दो मुझे, मैं गंदा बन चुका हूं, मुझे साफ करो। दाऊद जानता था कि उसके जीवन में शांति आनंद नहीं आने वाला, मुझे उसे नहीं मिलेगा शांति आनंद प्रेम, उसे नहीं मिलेगा। वो जो प्रेम ढूंढ रहा है इंसानों में, वो प्रेम उसे नहीं, वो मोहब्बत उसे नहीं मिलेगा। वो जो शांति खोज रहा है अपने जिंदगी में, वो शांति उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप के धब्बे उसके जिंदगी में लगा हुआ। और आज भी हम लोग बहुत विश्वासी है, जो कुछ कुछ गुनाह हम लोग करते रहते हैं, वो धब्बा आज भी हम लोग के जीवन में नजर आता है, वो हम लोग के आचरण में नजर आता है, क्योंकि वो धब्बा लग चुका है। और जब तक उसको खुदा धोएंगे नहीं, उससे तुम निकल के नहीं आ सकते। इसीलिए प्रभु कहते हैं मन परिवर्तन करो, कैसे करके पूछेंगे यहां से। यहां से मरना पड़ेगा। इसीलिए इंसान लोग क्या करता है, जो लोग ज्यादा गुनाह करता है वो लोग यहां से मर जाते हैं, वो लोग अपने मन को मार देते हैं, कि वो मन उन लोग को गलती नहीं दिखा सकता। इसीलिए कोई इंसान अगर गलती दिखाता है वो विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, क्योंकि आगे से ही उसके जहन में चल रहा है ये चीज। इसीलिए अगर किसी की गलती धराओगे, वो इंसान डिफेंसिव बन जाता है और वो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाना चालू करेगा, तुम्हारा भी तो धब्बा है। कोई भी इंसान भाग नहीं सकता कि वो क्या गलती किया। तुम सबसे छुपा सकोगे लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकोगे, और खुदा कह रहा है कि वो तुम्हें ढूंढ के जरूर निकालेगा, वो गुनाह तुम्हें ढूंढ के जरूर निकालेगा। और जब जब दाऊद की जिंदगी में ये चीज हो रहा था, दाऊद को पता था कि कौन गुनाह की वजह से उसके जिंदगी में इतने सारे दुख तकलीफ उसको सहना पड़े। फिर वचन में कह रहा है, अब दाऊद कह रहा है
For I know my transgression and I know my sin is always before me. कि जो कोई भी खुदा के बच्चे हैं वो लोग जानता है कि जब वो लोग गलती करते हैं कि उसके गलती समय हमेशा उसके सामने है, वो भुला नहीं सकते। अगर पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में है जैसे दाऊद की जिंदगी में था, आप भी भुला नहीं सकेंगे कि आपने क्या गलती की है। ये मन हम लोग का कोर्ट रूम है जहां पर जब हम लोग कोई गलती करते हैं ये चीज जरूर बतलाता है ये गलती है, ये गलत है। इसीलिए जो लोग गलती करते हैं ज्यादातर अंधेरे में करते हैं, रोशनी में उजाले में नहीं। वो लोग पसंद करते हैं अंधेरा क्योंकि अंधेरे में कोई देख नहीं सकेगा, ज्यादा इंसान नहीं होगा, बात फैलेगा नहीं। लेकिन पाप की गहराई उससे भी ज्यादा है कि अगर कोई इंसान अगर तुमको नहीं भी देखा, वो पाप अगर नहीं मिटता, अगर खुदा वो पाप को नहीं उठाता तुम्हारे जिंदगी से, वो पाप जरूर तुम्हारे जिंदगी में मौत लाने वाला है। वो पाप तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें तोड़ मरोड़ के रखने वाला है, तुम्हें तोड़ देगा। इसीलिए दाऊद कह रहा है कि मेरा गुनाह हमेशा मेरा सामने है, मैं सो नहीं पाता रात को। बहुत कोई कहता है कि मैं रात को सो नहीं पाता, रात को नहीं सोने का कारण भी बहुत सारा यही है। नहीं सोने का कारण भी बहुत सारे यही दांत के धब्बे जो आपकी जिंदगी में लग चुका है। इसीलिए इट कैनॉट गिव यू अ साउंड स्लीप, इट कैनॉट गिव यू अ लाइफ विदाउट वरी। और ये सब चीज हम लोग के जिंदगी में आके हम लोग को खाने लगता है और आस्ते आस्ते हम लोग मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। दाऊद ये बात जानता था, फिर उन्होंने कहा 4 में, अगेंस्ट यू ओनली यू आई हैव सिंड एंड डन व्हाट इज इवन इन योर साइट, सो यू आर राइट इन योर वर्क डेड एंड जस्ट जस्टिफाइड व्हेन यू आर जज। अब वो कह रहा है कि मैंने गुनाह किया तो सिर्फ तेरे विरुद्ध गुनाह किया, मेरे खुदा तेरे विरुद्ध गुनाह किया, और मैंने जो किया वो तेरी नजरों के सामने गलत था। इसीलिए तूने जो विचार किया मेरे जिंदगी में वो सही विचार था, तूने जो विचार किया मेरे जिंदगी में वो सही विचार था, और मेरे साथ जो पाप की वजह से हो रहा है आज जो मैं भुगतान कर रहा हूं ये जायज है। वो ये नहीं कहता, गुनेगार लोग ये कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जिसके अंदर में पाक रूह बसता है, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा बसता है, वो ये बात नहीं कह सकता, लेकिन वो ये बात कहेगा कि हाँ खुदा मैं गुनेगार हूं और मेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। लेकिन रहे वही एक सच्चा इंसान है, रहम कर, जैसे दाऊद ने कहा रहम खुदा, वो शुरुआत ही किया था रहम से। पांच में देखते हैं, Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me। बोले जन्म से मैं पापी था, तब से मैं पापी था जब से मेरे मां ने मुझे जन्म दिया, तब से मैं पापी था। Yet you desired faithfulness even in the womb। बोले जब मैं मां के गर्भ में था तब भी तू मेरे पास से वो इंसान को चाहता था, मुझे वो इंसान बनाना चाहता था जो विश्वासनीय हो। लेकिन मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ चुका, और उसके बाद You taught me wisdom in the secret place।
मैंने कहा कि तूने मुझे प्रज्ञा के ज्ञान दी, तूने मुझे वो ज्ञान दी और ऐसे ऐसे जगह में दी जो जगह में कोई नहीं था, जो जगह के बारे में किसी को नहीं मालूम था। और वो जगह कौन सा था? वो जगह था जब एक इंसान अपने आप को अकेले करता है हर एक चीज से खुदा के साथ बात करने के लिए, तभी वो खुदा से ज्ञान पाता है। कि जब तुम अपने आप को अकेले करते हो खुदा तुम्हें ज्ञान देता है, जब तुम अपने आप को अकेले पाते हो खुदा तुमसे बात करता है, खुदा तुमको रास्ता दिखाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में पाक रूह बसता है।